आदमी जितना ताकतवर हो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आप गांव के किसी लोगों से पूछिए सोनवा यहाँ का गुंडा है या नहीं। सर ये कोई बुनियादी नहीं हुआ कि सोनू के ऊपर आप डायरेक्ट एग्जाम लगाया जा रहा है, ये सब कोई अति नहीं हुआ। पप्पू यादव पहुँचे पुरखोपट्टी, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पप्पू यादव ने कहा इंसाफ के लिए किसी हद तक जाऊंगा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा पहुंचकर दो बालिकाओं की निर्मम हत्या के कारण शोकाकुल परिवार से मिले। प्रेम जेवर पंचायत के पुरखोपट्टी गांव शोकाकुल परिवार से मिलकर कहा कि आपके लड़कियों की हत्या से मैं क्षुब्ध हूं, कि पुलिस एवं जिला प्रशासन इस घटना को दूसरा मोड़ दे रही है। क्या वजह है कि आपदा की राशि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई? साफ जाहिर होता है कि प्रशासन हत्या के मामले को घटना की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। किसी भी अपराधी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए एवं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध एवं पानी का पानी आम जनता के सामने आ सके। सच को आज कैसा? बहादुरपुर थाना के ड्राइवर के भाई एवं बहादुरपुर थाना के चौकीदार के बेटा का नाम संलिप्तता में आ रहा है, जाँच का विषय है। इस बिंदु पर भी जाँच होना जरूरी है। अगर मंगलवार तक पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही तो मैं इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करूंगा। गरीब परिवार है, यहाँ के विधायक सांसद सब संवेदनशील हो गए हैं, इसलिए अपराधियों का मनोबल चरम पर है और आम जनता परेशान दिख रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के साथ जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, डॉक्टर वीरेंद्र पासवान, चुनमुन यादव, पुतुल बिहारी, चंद्रकांत सिंह, पप्पू सरदार, महेश पासवान, इस्माइल अख्तर, काशिक इकबाल, मोहम्मद दिलशाद, नौशाद अहमद, कुणाल पांडे, रोशन झा, अंकित आनंद, सोनू खान, तौसीफ खान, मोहन यादव, उमेश शर्मा इत्यादि के अलावा प्रेम जीवन के मुखिया जीशान फारूकी, सरपंच मोहम्मद फैयाज, पतोर मुखिया फेकन पासवान, भोला पासवान, मणिकांत यादव, सुनील कुमार, पप्पू भैरव यादव इत्यादि सरकार कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। दोनों बच्ची के दोनों तुलको इनका तो बच्ची तो हम नहीं छो, हमारा तरफ से राखियो कुछ है तो दुकान दौरी कर ला परिवार ले, मजदूरी नहीं करियो, ककरो बैठा दियो सब्जी अंडा कुछो के दुकान छोटका मोटका करबो तो इतना पूंजी दे दिलिया ते में तू 300-400 दिन कमा सके छो डेली सब्जी के अंडा के बेच के 200-300 टका हेतु तो परिवार धीरे धीरे तो लोकल में कोई धियापुता के लगा देव तू कतो मजदूरियो करबो तो लाइफ चलते। बच्ची के ब्याह में हम 50,000 रुपया हमारा तरफ से। अब सवाल उठे छे न्याय के, तो न्याय हमारा पर छोड़। हाँ सर हमको न्याय चाहिए, भगवानों भगवानों ओकरा नहीं बचा सके भरोसा रख। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।